मीडिया पर आप जिन कोरोना योद्धाओं की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, अपनी डंडामार छवि को तोड़कर आपके और कोरोना वायरस के बीच मजबूत दीवार बनकर खड़ी राजस्थान पुलिस पर फूल बरसा रहे थे, उसी राजस्थान पुलिस का सबसे काबिल, ईमानदार और दबंग SHO न जाने किस दबाव में फांसी के फंदे पर झूल जाता है और अपने जाबाज अधिकारी की जीवन लीला के इस दुखद खात्मे के बाद भी पुलिस की मजबूरी देखिए, वो इस घटना की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है पर बिना किसी की नामजदगी के। मतलब साफ है कि मामला ठंडा होने पर यह FIR भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी और ईमानदार अफसर की मौत की तरह यह FIR भी सिसकती हुई दम तोड़ देगी। हालांकि राजस्थान के DGP भूपेंद्र सिंह ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो। पर सवाल उठता है कि ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी कि एक पूरे थाने को चलाने वाला व्यक्ति, पीड़ितों को न्याय दिलाने वाला व्यक्ति, अपराधियों से दो दो हाथ करने के लिए तैनात व्यक्ति खुद इतना भयभीत हो गया कि जान दे बैठा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के चुरू जिले के राजगढ़ थाने के SHO विष्णुदत्त विश्नोई ने 22 मई की रात को अपनी सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। अब जानिए कौन थे विष्णुदत्त विश्नोई। विष्णुदत्त जिस भी थाने में पोस्टेड होते, सप्ताह भर में वहाँ के बदमाश समझ जाते थे कि इलाके में सिंघम आ गया है। यदि किसी ने शराब पीकर उधम मचाई तो विष्णुदत्त उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर 10 किलोमीटर दूर छोड़ आते थे। वापस 10 किलोमीटर पैदल चलकर आने पर शराबी का पूरा नशा हिरन हो जाता था। अवैध वाहन हो या डंपर या ट्रिपल सवारी बाइक या ओवरलेड ट्रक हो, बस हो, वो तुरंत जब्त कर लेते थे। मवालियों को शहर के चौराहों पर मुर्गा बनाकर सार्वजनिक कुटाई करने में भी उनको गुरेज नहीं था। उनका खौफ ऐसा था कि कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल और मनीष हरिजन सहित इलाके के छोटे बड़े गैंगस्टर भूमिगत हो गए थे। विष्णुदत्त रेंज के जिस भी थाने में गए, उन्होंने दबंगाई, निर्भयता और कर्तव्य परायणता की अमिट छाप छोड़ी। ये वही विष्णुदत्त थे जिसका गहलोत सरकार ने रूटीन में तबादला कर दिया तो उनके समर्थन में सुजानगढ़ के बाजार बंद हो गए। जनता ने लाखों पोस्टकार्ड लिख डाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि इस थानेदार का तबादला रद्द करो। पंच, सरपंच, प्रधान की तो बिसात ही क्या है, विष्णुदत्त तो विधायक, सांसद की भी सिफारिश को नकार देते थे, गलत काम पर नेताओं को भी हड़का देते थे। ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जान सकें कि पुलिस ने और जनता ने अपने किस कोहिनूर को खोया है। असल में ये आत्महत्या नहीं, हमारे ईमानदार सिस्टम की क्रूर हत्या है और ईमानदारी के हत्यारे कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि SHO विष्णुदत्त विश्नोई के जान देने के बाद इस थाने के सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर सहित 60 पुलिस कर्मियों ने IG को पत्र लिखकर अपने तबादले की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विधायक और उनके कार्यकर्ता छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े अफसरों से हमारी शिकायत करते हैं और अफसर इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। यह पुलिस का भी दुर्भाग्य है कि कुछ अधिकारियों के नेताओं की कठपुतली बनने से पुलिस ही पुलिस की दुश्मन बन जाती है। खैर, अब सवाल उठता है कि वो विधायक कौन है जिसकी वजह से यह सारा बवाल हुआ माना जा रहा है। यह है अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कृष्णा पूनिया, जो राजगढ़ से कांग्रेस की विधायक हैं। इनका नाम इस सुसाइड केस में सबसे ऊपर आ रहा है। किस वजह से? वह इस वजह से कि माना जा रहा है विष्णुदत्त सबसे ज़्यादा परेशान विधायक कृष्णा पूनिया से ही थे। विष्णुदत्त की एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि MLA बकवास है। इसके अलावा इस इलाके के लोग कई बातें, कई ऐसे किस्से बयान कर रहे हैं जो विधायक कृष्णा पूनिया को कटघरे में खड़ा करते हैं। कृष्णा पूनिया भी यह कहकर इस मामले से अपना दामन नहीं बचा सकती कि दूसरी पार्टी के लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं, जिन नेताओं के कारण मेरा नाम आ रहा है उनकी और मेरी हिस्ट्री में फर्क है। परंतु कृष्णा पूनिया सत्ता पक्ष की विधायक हैं। वह कितनी भी दोषी क्यों न हो, हमारा इतिहास गवाह है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उनको बचाने के लिए गली निकाल ली जाएगी और गली भी तो तभी निकालेंगे ना जब कृष्णा पूनिया कहीं फंसती हुई दिखेगी। फिलहाल तो वो जिस निर्लजता से दीदें फाड़ रही हैं उससे तो नहीं लगता
कि उनका कुछ होगा। ये न्याय सबके लिए समान कानून जैसी किताबी बातें आम जनता के लिए ही होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की न्यायप्रिय छवि जरूर कुछ आस बंधाती नजर आती है कि संभव है विष्णु दत्त की शहादत बेकार न जाए। और जब बात राजनीति की हो और भाजपा दिखाई न दे, ऐसा नहीं हो सकता। बात बात पर कांग्रेस का कालर पकड़ने वाली भाजपा के प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वे भी इस लड़ाई में कूद पड़े। वो दादागिरी से भीड़ लेकर थाने में भी गए, जहाँ मौजूद डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई ने भीड़ लाने पर उन्हें टोका। तो राठौड़ एसपी आईजी के सामने डीएसपी राम प्रताप से अभद्र व्यवहार करने लगे, उन्हें जलील करने लगे। संक्रमण के दौर में राजेंद्र राठौड़ चाहते तो दो चार लोगों को लेकर भी थाने में आक्रोश प्रकट करने जा सकते थे, पर उन्होंने एक तो गैर जिम्मेदाराना काम किया, दूसरा पुलिस के घर में पुलिस के सामने ही पुलिस को जलील करने लगे। यहाँ संदर्भित नहीं होने के बावजूद भी मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि नेताओं के रोब दिखाने की यही बुरी बीमारी विष्णु दत्त जैसी ईमानदारी की मौत के लिए जिम्मेदार है। यह पुलिस के लिए भी सीख का दौर है। पुलिस को भी चाहिए कि दूसरों की समस्या सुलझाने में इतना भी व्यस्त न हो जाए कि अपने घर को भी नहीं देख सके। नेताओं की राजनीति तो पुलिस के काम में दखल देने से ही चलती है, पर पुलिस को ही यह तय करना होगा कि थाने नेताओं की दुकान बनकर न रह जाएं। बड़े अधिकारियों को अपने छोटे पुलिस कर्मियों की समस्याओं को भी महज खाना पूर्ति या बला टालने के अंदाज में नहीं, बल्कि हकीकत तौर पर सुलझाना होगा। तभी जाकर विष्णु दत्त जैसे ईमानदार अफसरों की क्षति रुक पाएगी। लोग दबी जुबान में तो यह भी कह रहे हैं कि ऐसे जो विष्णु दत्त की ये आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। इस बात की जांच भी बारीकी से करने की जरूरत है। खैर, पुलिस ज्यादा योग्य है। आने वाले दिनों में हो सकता है काबिल डीजीपी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों, बातें तो बहुत है, पर समय सीमा अलविदा कहने को मजबूर कर रही है। यदि आप इस ज्वलंत विषय पर अपने विचार पूरे देश को बताना चाहते हैं तो कमेंट करें, या ईमानदारी के इस सुसाइड केस की कोई जानकारी जनता से साझा करना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। इस आत्महत्या के पीछे आप किसको दोषी मानते हैं, यह भी कमेंट करके पूरे देश को बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पीटीवी हिंदुस्तान, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान।